हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर में मौजूद हैं, जहां से आप देखने जा रहे हैं वार पलटवार। आपको बता दें कि एबीपी न्यूज की ये टीम हर जगह घूम रही है। बिहार के चप्पे चप्पे में, कोने कोने में हम पहुंच रहे हैं और यहां की हर सियासी हलचल से मैं आपको वाकिफ करवा रहा हूं। और इसी कड़ी में, इसी सिलसिले में अब मैं मुजफ्फरपुर में मौजूद हूं, वो मुजफ्फरपुर जो शाही लीची की मिठास के लिए मशहूर है। मेरे साथ यहां की जनता भी है। इन तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे। यहां की जो सियासी हलचल है, जो राजनीति की नब्ज है, उसे टटोलने का प्रयास मैं करूंगा। मेरे साथ जो यहां पर मेहमान मौजूद हैं, उनसे मैं सबसे पहले आपका परिचय करवा दूं। मेरे साथ यहां पर केदार गुप्ता साहब जुड़ चुके हैं। अपने दर्शकों को हम बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के अभी मौजूदा विधायक हैं, ये सिटिंग एमएलए हैं। अजय कुमार सिंह हमारे साथ एलजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के नेता भी यहां पर मौजूद हैं, डॉक्टर इकबाल साहब। और हमारे साथ धर्मवीर शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, आप कांग्रेस के सीनियर लीडर यहां पर हैं। मैं जनता के पास भी आऊंगा, लेकिन आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है, चूंकि आपको पता है कि ये कोरोना काल है, तो जो कोविड 19 का प्रोटोकॉल है उसका आप लोग पालन कीजिएगा। दो गज की दूरी जरूरी है और आप में से तमाम लोग मास्क जरूर लगाएं, या आपके पास गमछा है तो उसे नाक पर लपेट लें, जैसे इस वक्त मैंने गमछे को भी रखा हुआ है और मास्क लगा लिया है। केदार जी, आपसे बातचीत की मैं शुरुआत करना चाहूंगा, और जरा मुझे ये बताइए, ये वो मुजफ्फरपुर है जिसे बिहार के आधुनिक शहरों में गिना जाता है, स्मार्ट सिटी। आपके नगर विकास मंत्री जो बिहार के हैं वो यहीं से आते हैं, लेकिन नगर विकास मंत्री का जो नगर है, ऐसा लग रहा है कि रो रहा है। ऐसा बात नहीं है, काम काफी हुआ है और हो रहा है। आप देख लीजिए, बहुत सारा शिलान्यास, एक दो नहीं, लगभग 100 से ऊपर राज्य योजना की सड़कें जो है पास हुआ है और बना भी है। अब शहर में जब घूमेंगे तो आपको लगेगा विरोधी के पास तो कुछ करने के लिए घुमा हूं सर, मैं इसलिए कह रहा हूं आपको। नहीं नहीं, सुन लीजिए मेरी बात, मैं आपको बता देता हूं कि मुझे यहां पर शहर के बीचों बीच एक होटल था, उससे एक्सप्रेस वे जो आपका हाईवे है वहां तक पहुंचने में 1.5 घंटे का वक्त लग गया, जाम की वजह से इस तरह के हालात थे। तो सवाल यह है, पानी निकल नहीं पाता है शहर से, सड़कें चौड़ी हो नहीं पाई हैं, कंजेस्टेड बहुत ज्यादा है, क्यों ये हालात हैं? मैं बार बार कह रहा हूं, ये नगर विकास मंत्री जो बिहार के हैं उनका शहर है, तब ये हाल है इस नगर का। मैं आपको बता दूं एग्जाम्पल के तौर पर, आप मझौलिया चौक से चले जाइए, मझौलिया चौक से आप आगे आ जाइए, खबरा मंदिर है, और खबरा मंदिर के बाद घूमती होकर के चले जाइए जो आपको चला जाता है स्पीकर चौक के पास, वह सड़क का क्या हाल था? आज चले जाइए, कितना चौड़ी सड़क हो गई। 15 साल में तो पूरी तस्वीर बदल देनी चाहिए थी आपको। इकबाल साहब, इतना काम हुआ है क्या? देखिए, ये पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा के अलावा कुछ नहीं हुआ। कल मुख्यमंत्री जी ने जिस रोड का शिलान्यास किया, जवाहरलाल रोड या क्लब रोड, उसमें जाके आप देख लीजिए, उसने पिछले 15 वर्ष से इतने गड्ढे हैं, उसमें इतने लेक गिरे हैं, जवाहरलाल के गड्ढे पिछले 15 साल में हुए या 15 साल के पहले के जो 15 साल थे उसमें भी हुए? उससे पहले गड्ढे नहीं थे, 15 साल में जो रोड बन ही नहीं, 15 साल से मुख्य सड़क है जो मुजफ्फरपुर शहर को जोड़ती है। 15 साल पहले जब लालू यादव जी थे यहाँ पर, तब सड़क बनी हुई थी, उसके बाद नहीं बनी सड़क? देखिए, अभी की तारीख में आप ऐसा ही प्रश्न कर रहे हैं। जब एक आदमी से पूछा कि बाबू तुम्हारा रिजल्ट क्या हुआ, तो कहे इसके मास्टर साहब जो अंग्रेजी में थे उनके लड़का को कम नंबर आया, केमिस्ट्री वाले को कम नंबर आया, कि तुमको तो हम सब्जेक्टली फेल कर गए। सुरेश शर्मा 100% सब्जेक्टली फेल किए हैं, शहर की हालत बद से बदतर है, और ये झूठ का शिलान्यास है। एक भी काम इस शहर में नहीं हुआ है। शहर कहने को स्मार्ट सिटी के नाम पर है, इस शहर में पब्लिक रो रही है। जी जी, चुनाव में अब तो वोट लेने के लिए आप लोग पहुंच रहे हैं, शायद यही वजह है क्या? इस बार बिहार से जो खबरें आ रही है चुनाव में, कई विधायक जनप्रतिनिधि जब इलाके में जा रहे हैं तो जनता खदेड़ दे रही है। ऐसा है सर कि 15 साल जो लालू जी का शासन था उसमें और आज का जो परिवेश है 15 साल का, जमीन आसमान का अंतर है। किसी भी मामले में आप देखिए, या अपराध का मामला हो या विकास का मामला हो, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो क्रियाकलाप है और उसके हिसाब से वोट आप प्रधानमंत्री जी के नाम पे ही लीजिएगा, मोदी जी के नाम पे है। हम
हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री जी हैं तो वोट उनके नाम से भी ले सकते हैं। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार है ना, और विधानसभा का चुनाव हो रहा है। मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार जी ने भी काफी काम किया है 15 वर्षों में। लेकिन आपने दूसरे नंबर पर उन्हें रख दिया ना, पहले मोदी जी का जिक्र आपने कर दिया, इसलिए मैंने सवाल पूछा है। जी क्या हुआ काम है? काम तो यही हुआ है कि सिर्फ शहर में नाव नहीं चला है, अगर नाव भी चलाया जाता तो वो कम लगता। क्योंकि मोती झील जैसे जगह में मुझे लगता है कि 3 फीट के करीब पानी अभी भी आज भी 1.5 फीट होगा। अच्छा, तो नाव नहीं चला, बस यही विकास है। और बार बार ये जो एकदम मतलब नहीं होता है बेवकूफ वाला सवाल, 15 साल 20 साल पहले ये कहां थे, ये भी तो वहीं थे। तो 15 साल 20 साल कोई भी आदमी दुनिया का हर आदमी यही पूछता है कि कल रात क्या किया, आज सुबह क्या करेंगे, कल क्या करना है। तो ये 15 साल से 15 साल के तुलना तो बेवकूफ लोग कर सकते हैं। केदार जी बार बार 15 साल पीछे क्यों चले जाते हैं? मैं जनता के पास आ रहा हूं, लेकिन आप बार बार क्यों चले जाते हैं 15 साल पीछे? देखिए मैं 15 साल पीछे की बात नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं कि इस 15 साल में कितना काम हुआ सो आपने देखी। इस 2005 में एनडीए की सरकार बनी, आप उसके बाद देख लीजिए कि बिहार में कितना विकास हुआ। चाहे वह अच्छा, मुझे विकास के 5 ऐसे काम बता दीजिए जिसके आधार पे आपको लगता है कि जनता फिर से चुन लेगी आपको। आप बिहार के किसी कोने से 5 घंटा से 6 घंटा में आप पटना चले जाइए। पहले बीमार लोग पड़ते थे तो सोचते थे कि हम पटना कब जाएंगे और रास्ते में रह जाते थे। आज किसी बिहार के किसी कोना से आप 5 घंटा में आप चले जाइएगा। मैंने कल देखा कि भगवानपुर फ्लाईओवर पर एक एम्बुलेंस बहुत देर तक फंसी रही, इतना जाम था। अब जाम वगैरह तो ये तो अलग चीज है, सर तो नगर विकास मंत्री आपके हैं, तभी मैं बार बार पूछ रहा हूँ कोई योजना है? ठीक बात है, स्मार्ट सिटी है सर मुजफ्फरपुर, स्मार्ट सिटी और काफी काम हुआ है। सुरेश शर्मा जी के समय में जितना काम हुआ है आज तक उतना काम कभी नहीं हुआ। मैं पूछ लेता हूँ, इतना काम हुआ है क्या सुरेश शर्मा जी के वक्त में? कोई कुछ बोलना चाहेगा इस पर? पिछले बार जो था उस अपने यहाँ का ये सिर्फ मंत्री जी का ही काम नहीं, यहाँ का जो अपने हम और आप हैं उनकी भी दायित्व बनती है कि अगर हम घर बनाते हैं तो नाला नहीं बना पाते हैं, उसका पानी कहाँ जाएगा वो भी तो हमारा सोचने का काम है। मंत्री जी मंत्रालय लेकर क्या है उनका सब आप किस पार्टी की नेता है? लोक जनशक्ति पार्टी बिहार प्रदेश सचिव है। अच्छा, इसीलिए आप कह रही जनता पे डाल दिया आपने, जनता वोट भी दे और अपने घर के आगे नाला भी बना ले। जनता नहीं डाली हूँ, पर आप आज से कुछ दिन पहले आप चले जाइए, बैंक में चले जाइए, क्या अभी जो अभी मार्केट की जो स्थिति है क्या इससे बेहतर था या बदतर था? जी मैं अजहर दाऊदी आरजेडी जी नेता। देखिए अभी जो सरकार है सभी पॉइंट पर सभी जगह विफल है, ये सरकार को बिहार की जनता को बदलना फर्ज हो गया है। इस सरकार से कोई उम्मीद करना बेईमानी है। तो कौन बदलेगा आपके, नीतीश कुमार के सामने कौन चेहरा आपको नजर आ रहा है? नीतीश कुमार के सामने मेरे तेजस्वी बहुत अच्छे चेहरा है, नौजवान है, उन्होंने वादा किया है बेरोजगारी भी दूर करने का, उन्होंने वादा किया है भ्रष्टाचार दूर करने का और उनका सपना है। तो महागठबंधन में स्वीकार्यता हो गई है उनको, नेता मान रहे हैं? एकदम हो गई है, कोई उसमें मतलब या हाँ ना का कोई बात नहीं। खबर आ रही ना उपेंद्र कुशवाहा नाराज है, वो सब होता रहता है, छोटा मोटा सब होता रहता है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। और मेरी पार्टी इस बार पूर्ण बहुमत में आएगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है, आप कुछ कहना चाहते हैं अपने नेता से, कोई सवाल आपका? जी एकदम, कि 15 साल में विकास हुआ है, इसे आपने बोला कि हमको होटल से हाईवे जाने में 1.5 घंटा लग गया। जी मैंने तो व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे कहा, ये 1.5 घंटा में आप पहुंच गए, नहीं 15 साल पहले की सरकार थी तो 1.5 घंटा में हाईवे पहुंचते कि नहीं ये भी फिक्स नहीं था। जैसे हमारे तो आपके लिए विकास का यही मानक है? विकास का मानक कि विकास, वैसे आपने हमारे भैया ने कहा कि मोती झील में पानी लगता है, तो आज पानी लगेगा, अब कल जाके यहाँ है आप देख लीजिएगा वो पानी कम हो जाता है। पर पहले पानी लगता था, पानी मतलब खुद ब खुद कम हो जाता है? नहीं, सिस्टम बना है, सिस्टम बना है और 15 साल में जो विकास हुआ है कुछ विकास बच गया है। और निश्चित सड़कों का जाल हर जगह बिछा है, वो कुरहनी हो, बाहर बारिश भी हो रही है, रिमझिम बारिश हो रही है, इसीलिए ये कार्यक्रम हमें इंडोर करना पड़ा है, आज हम अंदर ये कार्यक्रम कर रहे हैं हॉल के अंदर। सियासत पर भी आपको लग रहा है क्या कि इसी तरीके के बादल बिहार में हैं? सियासत तो हमेशा ही अपने जुनून पर रहा है। हाँ। और सियासत के बारे में कवियों का जो कुछ तंज है वो जब आप सुनिएगा और अभी पढ़े होंगे तो आपको लगेगा कि सियासत ऐसी चीज है जिसमें इतने खेल होते हैं, उस खेल में हम लोग तो नहीं समझते। कविता सुनाएंगे क्या आप? कहिएगा तो सुना दूंगा। हाँ, बोलिए ना, बोलिए। आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह धरती जो है, जानकी वल्लभ शास्त्री बहुत बड़े कवि थे, उनकी धरती है। और उनका एक कविता था बादल, मैं तो साइंस का लड़का हूं लेकिन बादल जैसे कविता को मैं पढ़ा था, थोड़ा सा दो चार पंक्ति बोलिए 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 सर।
उसमें वो लिखते हैं नेताओं पर यह तंज। अच्छा, हम किसी व्यक्तिगत और किसी नहीं, अरे बोलिए बिंदास बोलिए सर, बिंदास बोलिए, नेता पर नहीं बोल रहे हैं बिल्कुल, हाँ। लेकिन मैं कविता सुना रहा हूँ, जो हो सकता है ये बादल लगी हुई है और अभी जो ये बहस चल रहा है उसमें कहीं सामंजस्य बैठा सके। वो लिखते हैं कि ऊपर ऊपर ही पीते हैं जो पीने वाले हैं, ऊपर ऊपर ही पीते हैं जो पीने वाले हैं, कहते ऐसे ही जीते हैं जो जीने वाले हैं। ये तो ऊपर वाली बात है। अब उनका जो तंज है जानकी वल्लभ शास्त्री का, उनका तंज उतने पर नहीं रुका है, उनका तंज इन नेताओं पर एक जगह और है। हाँ। वो तंज बहुत बड़ा है। वो तंज में कहते हैं कुपथ कुपथ रथ दौराता, कुपथ 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 का मतलब हुआ गलत रास्ते। हाँ। कुपथ कुपथ रथ दौराता जो पथ निर्देशक वह है, और लाज लजाती जिसकी कृत से धृत उपदेशक वह है। ये संस्कृत का शब्द है कृति। अच्छा। कृति का अर्थ होता है काम। हाँ। और धृति का अर्थ होता है धर्म। वो कहते हैं कि जिनके कर्मों से स्वयं धर्म लजाती है वो आज के डेट में, मतलब राजनेताओं पर आपका ये कटाक्ष है, राजनेताओं पर ही। हाँ। बात ये नहीं, नहीं जानकी वल्लभ शास्त्री का कटाक्ष है। चलिए मैं समझ गया समझ गया। इस तरह के हालात पर क्यों है, विश्वास क्यों नहीं जनता में आप लोग पैदा कर पा रहे हैं? जनता में तो इतना विश्वास है कि अभी चुनाव करा लीजिए आपको पता चल जाएगा। तो चुनाव तो होने ही वाला है जी, 220 से ऊपर सीट एनडीए को आएगा। आप देख लीजिए, आप चले जाइए बगल में कुरन्नी है, 200 से ऊपर सड़के बना है। अच्छा, 200 से ऊपर घरेलू जो है ट्रांसफार्मर लगा है। एक एक ट्रांसफार्मर के लिए पहले माड़ा माड़ी होता था, लोग पैसा मांगते थे, 10-20 आदमी जाते थे, हंगामा करते थे पावर हाउस में, तब एक ट्रांसफार्मर लगता था। अब कुरानी में चले जाइए, 200 से ऊपर घरेलू ट्रांसफार्मर लगा है, 200 से ऊपर। बार बार आप आरजेडी के नेता हैं, बार बार जो ये कहना चाह रहे हैं बीजेपी के नेता जो यहाँ के एमएलए हैं, उनका ये कहना है कि फिर वो 15 साल पहले जाके आप लोगों से तुलना कर रहे हो, कह रहे हैं आपके जमाने में कुछ हुआ ही नहीं था। दरअसल देखिए, अभी अभी नगर विकास मंत्री का एक बयान खुद आया है। अच्छा। सुधीर शर्मा जी का कि मुजफ्फरपुर के प्रशासन, मुजफ्फरपुर के पदाधिकारियों के कारण हम मुजफ्फरपुर में विकास नहीं कर सके, इसका मुझको बहुत क्षोभ है, मैं जनता से माफी मांगता हूं। अच्छा, यह मंत्री जी का बयान है। और बहुत, और इस सरकार में काम नहीं हुआ है, ये खुद रामविलास जी के पुत्र जो आज लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका बयान अखबारों में आपने पढ़ा होगा। हाँ, बताइए बताइए, जवाब दीजिए। आपके आपके नेता ही एक सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं, सहयोगी हैं आप तो सरकार में। ऐसा है सर कि हमारे नेता का नारा है कि लोग शासन पर करने के लिए नाच कर रहे हैं, हम बिहार के वासियों पर नाच कर रहे हैं, या टिकट के लिए दबाव बना रहे हैं कि ज्यादा टिकट मिले। ऐसा सर कोई बात नहीं है, क्योंकि पहले प्रदेश रहेगा तभी कोई नेता रहेगा। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विरोध नहीं कर रहे हैं, जो काम पब्लिक का नहीं हुआ है उसको मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख के उसको बता रहे हैं कि फलाना फलाना काम नहीं हुआ है। अच्छा, तो पत्र लिखना पड़ रहा है उन्हें डिजिटल जमाने में, एसएमएस व्हाट्सएप का जमाना, एक फोन कॉल कर लीजिए उठा के सीधे ही, चिट्ठी तो पता नहीं कब पहुंचेगी, पहुंचे ना पहुंचे। अब शिष्टाचारी हमारे राष्ट्रीय चिराग पासवान जी हैं। अच्छा, शिष्टाचार है। चलिए, आप कुछ बातें नहीं बताना चाह रहे हैं, मैं समझ रहा हूं आपकी मजबूरी। आप में से किसी का कोई सवाल है अपने नेता से पूछना चाहेगा यहां पर? हाँ बोलिए। हम तो कांग्रेस की भी सरकार देखे, उनके विधायक को भी देखे, राजद के भी विधायक को सरकार को देखे, फिर बीजेपी और जदयू का है वो भी देखे, पिछले क्या किए इससे हमको मतलब अभी नहीं है तत्काल। हम ये इन नेताओं से जानना चाहते हैं, इन लोगों का आगे का व्यू क्या है मुजफ्फरपुर के लिए, जो बाढ़ग्रस्त भी है, ठीक है, और कुशासन से विपरीत है थोड़ा बहुत जो भी कहिए, शिक्षा का स्तर जो है जिस लेवल पे है वो भी आप समझ रहे हैं, तो इन और उच्च शिक्षा में क्या है स्थिति, अभी यूनिवर्सिटी की बनी हुई है, तो ये सब में इन लोगों का विजन क्या है हम ये जानना चाहते हैं। यहाँ तो बड़ा एलएस कॉलेज मशहूर कॉलेज हुआ, क्या हालत है इस वक्त कॉलेज की, क्या हालत है, इन नेताओं का विजन क्या है? आइए सामने आइए, कुछ कहना चाह रहे हैं तो आइए आगे। हालत है कि उसके हॉस्टल में कुत्ते रहते हैं। अच्छा, एलएस कॉलेज के हॉस्टल में कुत्ते रहते हैं और गुंडे रहते हैं। अच्छा, ये तो पहले से इतिहास है, उसको कोई नहीं रोक सका। और नीतीश जी को, नीतीश जी को पहले कहिए कि सबसे पहले शिक्षा स्तर जो है उस शिक्षा स्तर को तो ठीक कर दें। वो चावल और मैं लेता हूँ, आपके सवाल का जवाब लूंगा मैं केदार जी से। बांटने से बच्चे पढ़ेंगे क्या? क्यों नहीं हो रहा? देखिए, बुनियादी जो काम होना चाहिए, ये जो सवाल कह रहे हैं, यहाँ का मशहूर एलएस कॉलेज ये कह रहे हैं जहाँ छात्रों को रहना चाहिए कुत्ते घूमते हैं वहाँ पर। देखिए, जहाँ तक शिक्षा की बात है तो एनडीए की सरकार में आपने देखा होगा
कि प्रत्येक पंचायत में जो है उच्च शिक्षा की व्यवस्था किया गया। पहले उच्च शिक्षा आप देख लीजिए, जैसे हमारा घर पड़ता है गोबर से, हम लोग बचपन में बीवी कॉलेज में पैदल जाते थे पढ़ने के लिए, और घर के बच्चियों को जाने में कितना दिक्कत होता था। लेकिन आज माननीय सर आपका जमाना और आज हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, अब तो यहाँ चांद सितारों पर लोग पहुंच रहे हैं, आप उससे क्यों तुलना करने लग जाते हैं? मैं बताना चाहता हूँ आपसे कि आज देख लिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में प्रत्येक पंचायत में उच्च शिक्षा की व्यवस्था की गई। अच्छा एक बात बताइए मुझे केदार जी, आप यहाँ सिटिंग एमएलए हैं, तेजस्वी यादव ने अभी दरअसल आप लोगों पर बड़ा कटाक्ष किया, उन्होंने कहा कि आप आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं और एक क्षेत्रीय पार्टी जिसका कोई जनाधार नहीं है उसकी पिछलग्गू बने हुए, पहले खुद तो आत्मनिर्भर हो जाइए यहाँ बिहार में। देखिए कोई किसी के पिछलग्गू नहीं है, हम एक दूसरे के सहयोगी हैं और हमारे शीर्ष नेतृत्व माननीय गृह यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी, जेपी नड्डा साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम लोग मिलजुल करके सरकार चला, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं पिछली बार का जो खट्टा अनुभव रहा कि अलग होकर अपना रास्ता तय कर लें, मिलजुल करके सरकार चला रहे हैं और मिलजुल करके सरकार बनाएंगे। आइए जरा फटाफट किसी का कोई सवाल हो, दो चार सवाल जल्दी से, समय नहीं है अपने पास, एक मिनट, कुछ किसी को बोलना, आपका हो गया। हाँ। बोलना चाहते हैं सिरपुर पंचायत में, हम बीडीओ साहब सीओ साहब को फोन किए, आप बोले जो सिरपुर पंचायत में नल जल योजना चला है, नीतीश कुमार जी जो साथ में निश्चय योजना सब कुछ लाए थे, वो योजना के कहाँ काम चल गया, पाइप आई तक डला नहीं, पाइप उनको ब्लॉक में। तो चलिए देखिए, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जनता मुद्दों के आधार पर वोट दे, क्योंकि होता क्या कि आखिरकार में गोलबंदी बाकी चीजों पर हो जाती है, जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर, और जनता के मुद्दे फिर वैसे ही रह जाते हैं। मेरे पास समय नहीं है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर बिल्कुल छोटे में कुछ कहना चाहें आप। मैं सर एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का डेमोक्रेसी आने वाला है, चलिए जो जल्द आपके पास आएगा, ठीक है चलिए उसकी हम बात करेंगे, लेकिन अभी हमारा वक्त नहीं है, वार पलटवार कार्यक्रम में फिलहाल मुजफ्फरपुर से इतना ही, कल आपसे सिवान में मुलाकात होगी, लेकिन आज शाम 6:30 बजे लाइव जरूर देखिएगा कौन बनेगा मुख्यमंत्री मुजफ्फरपुर से, देखते रहिए एबीपी न्यूज़।